नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आज की इस वीडियो में हम फिर हाजिर हैं आप लोगों की सेवा में। दोस्तों, क्या बकरी का दूध गाय के दूध से ज़्यादा अच्छा होता है? तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं और जानते हैं कि गाय का दूध और बकरी के दूध में सबसे ज़्यादा पौष्टिकता और सबसे ज़्यादा गुणवान कौन होता है। दोस्तों, गाय का दूध आपको आसानी से कहीं भी मिल जाता है, लेकिन बकरी का दूध आपको आसानी से कहीं प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बकरी का दूध गाय के दूध के मुकाबले ज़्यादा बेहतर है? अब आप पूछेंगे कि हम ऐसा कैसे कह सकते हैं, तो इसकी कुछ वजह है। तो आज की इस वीडियो में चलिए आपको बताते हैं ऐसी कौन कौन सी वजह है जिसके कारण बकरी का दूध गाय के दूध से ज़्यादा गुणवान माना जाता है। तो दोस्तों, पहली वजह होती है कि इसमें अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बकरी के दूध में विटामिन ए ज़्यादा होता है जो शरीर के जरिए आसानी से अवशोषण किया जा सकता है। इसमें रिबोफ्लेविन और विटामिन B2 की ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। इसमें पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को शरीर आसानी से हजम कर सकता है। बकरी के दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस भी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। यह शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करके शरीर की इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। बकरी के दूध में बायोसोडियम भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं जो पाचक शक्ति को बढ़ाने वाले एंजाइम को पैदा करते हैं। दोस्तों, इसका दूसरा रीज़न है नेचुरल एकरूप होना। जी हाँ दोस्तों, होमोजिनाइज्ड का अर्थ है एक रूप होना। गाय के दूध में फैट ज़्यादा होता है जिससे पानी जैसी पतली सतह इसके ऊपर आ जाती है। इसे दूर करने के लिए गाय के दूध के साथ एक प्रक्रिया करनी पड़ती है जिसे होमोजिनाइज्ड कहा जाता है, जिससे फैट के अणु खत्म हो जाते हैं और इससे क्रीम बनती है और दूध होमोजीनियस अच्छी तरह से मिलकर बनता है। होमोजिनेशन के नुकसान भी होते हैं, इससे दूध के साथ ही फ्री रेडिकल सेल्स हमारे शरीर में जमा होने लगते हैं या आगे चलकर स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं पैदा करते हैं। बकरी का दूध नेचुरल रूप से होमोजिनाइज्ड होता है और इसे किसी भी प्रोसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए बकरी का दूध आपको होमोजिनाइजेशन से बचाता है। इसकी तीसरी वजह होती है कि एलर्जी का कम होना। जी हाँ, गाय के दूध में हाई मिल्क प्रोटीन होता है जिसे कैसीन भी कहा जाता है, इसलिए बहुत से बच्चों को गाय का दूध पीने से एलर्जी हो जाती है। उन्हें उल्टी, दस्त, खुजली जैसी समस्याएं भी घेर लेती हैं। इस एलर्जी से बचने के लिए बकरी का दूध पीना अच्छा उपाय है। बकरी के दूध में कैसीन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, काफ़ी कम मात्रा में पाया जाता है। अगली मुख्य वजह होती है दोस्तों, लैक्टोज इंटॉलरेंस की समस्या नहीं होना। जी हाँ, लैक्टोज को मिल्क शुगर के रूप में जाना जाता है। इस लैक्टोज को पचाने के लिए शरीर में एंजाइम पैदा होते हैं। जिन लोगों में लैक्टेज की कमी होती है उनमें लैक्टोज इंटॉलरेंस की समस्या होने लगती है। बकरी के दूध में लैक्टोज काफ़ी कम मात्रा में पाए जाते हैं जिस कारण इसे पचाना आसान होता है। इसके अलावा अगली वजह होती है पचने में आसान होना। कई लोगों को गाय का दूध पीने से पेट में गैस, सूजन और पेट फूलने की शिकायत हो सकती है। बकरी का दूध पेट से संबंधित कई समस्याओं का उपचार है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बकरी के दूध में फैट वाले तत्व छोटे हैं और यह गाय के दूध के मुकाबले जल्दी टूट जाते हैं और आसानी से हजम हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त बकरी के दूध में पोटेशियम होता है जो बॉडी के एल्काइन पैदा करता है, जबकि गाय के दूध में पोषक तत्व कम होते हैं और यह पेट में गैस पैदा करते हैं। अब कुछ ध्यान देने वाली बातें। दोस्तों, बकरी का दूध इतना ज़्यादा पौष्टिक होने के बावजूद स्वाद में इतना अच्छा नहीं होता है। इसके अलावा बकरी के दूध को आप अन्य तरीकों से भी ले सकते हैं, जैसे फेंटा चीज़, गोट मिल्क चीज़, दही, गोट मिल्क आइसक्रीम आदि के लिए। और लास्ट वाली बात है दोस्तों, कि अगर आपके इलाके में ताज़ा और ऑर्गेनिक बकरी का दूध नहीं मिलता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप पैकेट वाला बकरी का दूध भी पी सकते हैं। तो दोस्तों, ये था कंपैरिजन काओ मिल्क और बकरी के मिल्क में। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएँ। वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।